तो यहाँ पर सुबह सुबह बच्चे इतना ज़्यादा शोर मचाते हैं, बैट बॉल खेलते रोली भी सुबह से खेल रहे हैं, पहले सुबह पार्क में से फिर इधर आ गए अब। और यहाँ पे इतना गंद मच जाता है, रोन को नहलाने नहीं जाना था। बार बार गंदी हो जाती है ये। चल अभी तो क्लीन है, तो अभी देखते हैं चलना ही है, तो तू क्लीन कर ले पहले ये वाला, खाना वाना बना कर ही जाएंगे फिर एक ही बारी, ठीक है अभी कर ले तू क्लीन। यहाँ पे कल मेरी, पहले तो तू मेरे को ये वाली बात बता, हाँ? जो तूने कल सीरम लगाया था फेस पे, फेस पे सीरम ये वाला, वो सीरम आपने लगाया था और इसको खोल के तो तुझे तेरे लिए खोल के रखा था, तो तूने तो बंद क्यों नहीं किया? सॉरी मैं वो सीरम ही नहीं यूज करती, मैं भी नहीं करती, सारा सीरम गिर गया था, सारा इतना सारा सीरम इसने यहाँ पे गिर गया, ये तो कुनाल लाया था, मिली होगी दादी वही हुई। क्योंकि मुझे तेरे को दिखाना था कि तूने कितना सारा सीरम गिरा है नीचे, मुझे गिरा था, तेरी वजह से तो गिरा था। नहीं जी मैंने नहीं गिरा था, ये जो भी प्रोडक्ट तू यूज करते ना, तू कभी भी ना पहले इधर मुकर, जो भी प्रोडक्ट्स तू यूज करते ना, तू कभी भी उसको बंद नहीं करती डोली। मेरी इतनी आदत नहीं है बंद करने की, तो बंद कौन करेगा? ये भी चिकना, हाँ ये देख किस पे तेरे काम है, मेरे काम नहीं है ये किसी लड़की ने यूज किया था सीरम उसके काम है, और वो हो ये सारा के सारा हमारा जो सामान है ना इसको भी थोड़ा सेट करना है, बट ये मैंने नहीं किया था, ठीक है ना, मैं तो वैसलिन ये लगा लेती हूँ। तुझे पता मेरी ना कल भी ना मेरी ये जो चिक्स है ना रेड, हाँ मैंने देखा वो था, इसलिए हो रखी थी क्योंकि ना मेरी स्किन बहुत ड्राई हो जाती है, ये वैसलीन जेली से ठीक, ड्राई होने के बाद ना फिर ये ना अभी भी लग रही डोली कैमरे में, हाँ बहुत तेज ड्राई हो जाता है ना, तो मेरे ना लाल लाल सा फिर ये ना इचिंग से होने लग जाती है, ये देखिए उससे भी नहीं हुआ था मेरा ना, मॉइस्चराइजर था ना ये वाला, उससे भी नहीं हो रहा था मॉइस्चराइजर से भी, तो मैंने सोचा यही लगा लेती हूँ, बट रात को मैं ना ये लगा के सोती पैराशूट का कोकोनट ऑयल, फिर उससे थोड़ा मुझे रिलैक्स फील हुआ था। ओके चलो आ जाओ, उनको घुमा ही आते हैं चल के, या तो टाइम पे है घुमा ही आएगी अभी ना। और तुझे पता है यहाँ पे मेरे को ना ये चुभने वाला है ना डोली, ये चुभ चुभ के यहाँ पे वो छिल जाएगा स्किन, छिल रही है ऐसे लग रहा, तो तू फोल्ड क्यों नहीं कर रही? फोल्ड तो वैसे ही नहीं किया था मैंने, सोची थोड़ी सी अब सर्च शुरू कर देती हूँ अपना, वो तो सोचती रही हूँ। डोली कपड़े कपड़े उतार, यहाँ पे सूख गया कोई, हाँ ठंडे तो है ही, फिर मतलब इतने ठंडे भी नहीं है, और वो तो कैसे भाग कर आए, मैं तेरे को बुलाने के लिए आई थी, क्या लगा था कि नीचे से आने हम, हाँ उसको वो सोया हुआ था अभी एकदम से पूरा बेहोश था रोन, मैंने उसकी हालत देखी थी, मैं आराम मैं एकदम से भागी तो आया, अब फोग होने लग गई, ठंड कम होगी बट फोग हो रही है अब। चलो वहाँ वो देख सामने ब्लू वाली लाइट अच्छी लग रही है, हाई एवरीवन वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सो अभी हमने ऑर्डर किया है आपको, क्योंकि हमारा मन कर रहा था, कुणाल का मन कर रहा था सैंडविच खाने का, तो मैंने सोचा हम सैंडविच ही बना लेते हैं, तो एक सेकेंड सीजर मिल गया, अरे मैं देख ही रही थी कि सीजर कहाँ गया, तो मैं आपको दिखाती हूँ कि हम बना रहे हैं सैंडविचेस, तो ज़्यादा कुछ तो नहीं, एक तो पहले मैंने ये बटर पेपर मंगवाया है, ठीक है इसकी बहुत नीड होती है, बहुत ज़्यादा नीड होती है इसकी, और एक ब्रेड का पैकेट, और यहाँ पे शेजवान, क्योंकि तंदूर में तो शेजवान के पीछे पागल हो चुकी है मुझे ऐसा लगता है, हमें इतनी ज़्यादा पसंद आ गई है ना, खा खा के खाने का ना मन करता है बार बार, ये देखो बचपन में ऐसे मिलने वाले पटाखे, सो ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करूँगी, अमूल बटर, यहाँ पे कुकुम्बर भी मंगवाए हैं, सो अभी बनाएंगे। डोली जो ब्रेड इसमें वो वाली है ना पहले वाली, वही यूज कर, क्या कर रही है, फ्रिज जमा हुआ इसमें से, बटर ये वाला यूज कर लेंगे अभी ना, ठीक है एक्स्ट्रा भी पड़ा है, और ये वाला ब्रेड का पैकेट यूज करेंगे पहले, और फिर वो वाला देखेंगे, ओके तो फटाफट अभी हम वेजिटेबल्स वगैरह कट करते हैं, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। वेजिटेबल्स में पहले मैं लूंगी प्याज, प्याज चॉप करूंगी, और कैप्सिकम लूंगी, प्याज कैप्सिकम और खीरा। डोली इसे खोल जरा, देख लो जरा मुझे कितना आया है, ये मेरे को बहुत हल्का, देख तो इसे, ये बटर पेपर ऐसे ही होता है मेरे हिसाब से, इतना कम 20 मीटर, हाँ ये 20 मीटर है, उसमें देखा था मैंने लिखा हुआ था, बट बहुत कम नहीं दिख रहा तेरे को, हल्का सा ऐसे तो देख लेते हैं,
ये काम का है भाई बहुत, नहीं तो ना यूज नहीं हो पाता और हम दुखी हो जाते हैं। हमारे को ऐसे इसी में रोटी वगैरह रख देनी चाहिए। हाँ, सही क्वालिटी पेपर की जगह बटर पेपर ही यूज करना चाहिए। ठीक है, ओके चलो फिर अब स्टार्ट कर दो तू, जल्दी जल्दी टाइम नहीं है ज्यादा। ठीक है, हमारे पास टाइम नहीं है क्योंकि हमने देखना है टीवी। तो मैं चाहती हूँ टीवी देखने से पहले, बिग बॉस देखने से पहले पहले हमारा जल्दी जल्दी ना ये सैंडविच बन के रेडी हो जाए और हमारे पेट में चले जाए। चलिए कह रही हूँ, जब हमने ये हमने ऑर्डर किया था ना वगैरह, तो हमें उससे पहले ही ना हमें ये प्याज वगैरह कट करके रख लेने थे। तो तूने की मैंने, हम रोन को घुमाने चले गए ना बट उस टाइम। हाँ, हमने कहा चलो पहले रोन को घुमा लेते हैं और फिर करेंगे। टमाटर डालना है, काला टमाटर डाल दे, डालती है पहले। मैं तो डाल देती हूँ, नहीं भी डालती। हम बना रहे सैंडविचेस, बताए तक नहीं है शायद तूने। वेज सैंडविच बना रही हूँ मैं, शायद मैंने बताया है मुझे लग रहा है, बट मुझे याद नहीं है कि मैंने बताया या नहीं बताया। आई थिंक मैंने बताया है कि मैं बना रही हूँ सैंडविचेस। ओके, हाँ तो मैं वेज सैंडविच बना रही हूँ। ये देखो प्याज हमारा वो गिर गया। मुझे खीरे वाले बहुत टेस्टी लगते हैं, खीरे अच्छे अच्छे हैं और ये है भी अच्छे, और वैसे भी खीरे वाले अच्छे लगते हैं, अच्छे से सॉफ्ट से हैं। ये गिर गया था ना चाकू। और वैसे ही कुणाल की फरमाइश है उसको सैंडविच खाने हैं, हम तो हमारा तो इतना मन नहीं करता, अब कुणाल आया तो थोड़ा सामने का हम भी सैंडविच इतना हम बहुत ही मतलब कम करते थे। मैंने तो अभी पर मैं तुझे बोल रही थी कि डोली सैंडविच बना लिया कर, बनाने चाहिए हमको, हमने बंद कर दी बनाने बिल्कुल ही। अब इसको मैं चॉप करूं थोड़ा, ये चॉप करेगी तो वो नहीं हो जाएगा चूरा चूरा। हाँ होता है, मैं कट कर देती हूं फटाफट, इसमें करूंगी भाई मुझे तो ये पसंद है। तू फटाफट स्वीट कॉर्न वाले रख दे। ठीक है, तो यहाँ पर रख दिए स्वीट कॉर्न, ये कम लग रहे हैं मुझे बहुत, थोड़े से थोड़े और डाल दे। और यहाँ पे खीरे हो चुके कट, प्याज कर दिया हमने चॉप, अभी यहाँ पे कैप्सिकम कट करेंगे। थोड़े से स्वीट कॉर्न कम लग रहे हैं, थोड़े और डाल देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने स्वीट कॉर्न को टेस्ट करे और इतना गंदा टेस्ट, ये खराब हो चुके हैं, है ना, हो चुके। बट मैंने तो अभी अभी पैकेट जस्ट, और ये पूरा वो वाला पैकेट है, मुझे लगता है तीन दिन पहले ही तो मंगवाया था हमने, तीन चार दिन नहीं बना। इसकी प्रॉब्लम पता है क्या है कि अगर हम ये वाले लेते हैं ना, तो इसको हम लोग बिल्कुल फ्रीजर में ही रख सकते हैं, बिना फ्रीजर के इसे बंद बाहर नहीं रख सकते। जैसे मैंने फ्रिज बंद कर देते हैं ना हम, इसलिए अभी खराब हो चुके हैं। फिर अब उसको बोल मत कर, वो तो खराब हो गए, वेस्ट है ये। अब हमारा मन बट बहुत अच्छा लगता है स्वीट कॉर्न्स वाले। तो स्वीट कॉर्न्स को लेने का फायदा तब है जब वो साथ के साथ यूज हो जाए, कम ही लेने चाहिए, नहीं तो फ्रीजर के अंदर ही रहने दो भाई, नहीं तो कच्ची मक्की ले लो। अब कच्चे भी तो आते हैं ना, अब क्या करे, अब कुणाल है यार, स्वीट कॉर्न्स तो खराब है भाई, वो तो वैसे भी नहीं खाता। नहीं खाता, नहीं वो तो खुश हो गया, बहुत गंदे टेस्ट किया है। देखो अच्छा, इसमें अभी खीरे और कहाँ भाग गए तुम, आ जा, मूड खराब हो गया वैसे। हाँ, स्वीट कॉर्न पहले ही खोल के देख लेना था तुझे, है ना, कोई नहीं होता है, चल कुछ नहीं होता, ज्यादा नहीं सोचते। बट मुझे स्वीट कॉर्न वाले ही पसंद है यार, पसंद तो मुझे भी है। तो यहाँ पे अभी हमने डाल दिए है खीरे, शिमला मिर्च, प्याज कटा हुआ, और रेसिपीज तो हमने दे रखे, मेरे ख्याल से बहुत बारी इनकी, हाँ है ना, हमने इसके ऑलरेडी बहुत बारी रेसिपी दे रखी है, रेसिपी दी हुई है। बट अभी मैंने सोचा क्यों ना बना ही लेते हैं। तो यहाँ पे अभी डल रही है मेयोनीज, मेयोनीज जितनी ज्यादा होगी उतनी ज्यादा टेस्टी लगती है। बस डोली हर बार मेयोनीज कम करती है, थोड़ी और डाल डोली, तेरी वजह से टेस्ट नहीं आता। फिर ज्यादा मेयोनीज पसंद नहीं है, बहुत टेस्टी लगती है मेयोनीज, इसलिए मैं कम डालती हूँ थोड़ी सी। यहाँ पे अभी इसे मिक्स करते हैं, अभी हम इसमें डालेंगे ऑरिगेनो और चिली फ्लेक्स और नमक और हरी मिर्च भी डाल, काली मिर्च, काली मिर्च डालूंगी। तो यहाँ पे अभी बस सारे थोड़े थोड़े मसाले डाल देते हैं एकदम से, ओरिगैनो, चिली फ्लेक्स, नमक और काली मिर्च, बस ये चार चीजें डालनी है अपने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। उसको ऑन कर दे, वो गर्म हो जाएगा ना। यहाँ पे हम डालेंगे नमक नॉर्मल ही, ज्यादा भी नहीं डालेंगे क्योंकि मायो में भी थोड़ा थोड़ा सा नमक उसमें तो बहुत लगता है। डोली तू ये डालना चाहे अभी इसमें चिंक्स अच्छी लगेगी, तो मैं उसमें लगा के हम अपने एक अलग से ट्राई करेंगे। ठीक है, हम ब्रेड पे लगा के फिर अलग से उस पे अलग से मसाला डाल देंगे। हाँ। तो मैं इसे अच्छे से मिक्स करता हूं। और लाल मिर्च भी डालनी, लाल मिर्च भी डालनी, चल हाँ ठीक है ठीक है, ऐसे ही बनाते हैं ना हम तो। हाँ, हरी मिर्च डालनी, बस एक उसकी कमी है, स्वीट कॉर्न्स की कमी आएगी, वो भी हमारे पास थे
खराब निकले, खराब हो गए थोड़े से। चलते हैं, चलो अभी हम लोग बना लेते हैं। हम वो भी डाल सकते हैं किसमें? पत्ता गोभी इसमें। हाँ बट अभी तो क्या ही है घर में, मायो कम है, चल डाल इसमें। कम है ना। हाँ पत्ता गोभी क्या डोली, पता है कितनी टेस्टी लगती है, कभी खाया सैंडविच पत्ता गोभी वाले? हाँ खाए हुए। हाँ डाल दे मेयोनीज अच्छे से, तेरे को तो भर भर के खिलाऊंगी मैं मेयोनीज, मुझे लग रहा है। यस है ना। चलिए अभी मैं सारी ना ब्रेड्स पे लगाती हूँ, तब तक ये भी गर्म हो जाएगा। तो कुणाल को सैंडविचेस दिए थे, तो मैं पूछने आई हूँ कि कैसे बने हैं। अरे तो सैंडविचेस कैसे बने? खाने दो दे। और कैसे? स्वीट कॉर्न नहीं डाले बस इसमें ना, क्या टेस्ट नहीं आ रहा क्या तुझे? अच्छा मेयोनीज कम है? नहीं अच्छा सही है, थोड़ा मटेरियल कम है। हाँ फिर वो मुझे लगता है दूसरे वाला ले लियो, उसमें है बड़ा भर भर के। ठीक है शेजवान के साथ खा रहा है। शेजवान कैसी लग रही है? अब तो यहाँ आया घर तो तेरे मजे ही मजे है, रोज कुछ ना कुछ नया बना के खिलाऊंगी तुझे। दो तीन दिन का शौक है उसके बाद हो गया। नहीं नहीं अब तो पक्का खिलाऊंगी बना बना के डेली। चल ठीक है तू खा ले। सो देखते हैं तन्नु क्या कर रही है। बन गए? वो कह रहा कि उस वाले में ना सामान था थोड़ा, हाँ तो पड़ा, बट पता नहीं मुझे भी ना फर्स्ट वाली एकदम से बाइट खाई होगी तो वो उसके मुंह में नहीं आया होगा साइड से, बट अब हो गया ना। अब जल्दी जल्दी हम करते हैं थोड़ी सी किचन विचन को थोड़ा सेट, तब तक हमारे सैंडविचेस बन गए हैं बस, तो इंजॉय करते हैं हम सैंडविच का। ये देखो ये डिलीशियस से बहुत ही यम्मी बने हैं, मतलब मैं तो कह सकती हूँ कि यम्मी बने, बट अभी मैंने खा के नहीं देखे क्योंकि ये तो वेज है और ये सही अच्छे बन जाते हैं, इजी है, ग्रिल्ड है, 2 मिनट में बन जाते हैं।